बाबर आजम को देखेंगी तो पहला लफ्ज आपके जहन में क्या आता है? बाबर आजम को सोच के मेरे दिमाग में कोई कराची का लौंडा आता है। क्यों, ऐसी क्या वजह उसमें? माफ कीजिएगा पर रंगत ऐसी है मेरी जैसी। कुछ भी समझिए, ठीक है? यानी वो प्यारा नहीं लगता आपको? नहीं, प्यारे तो बहुत है, सामने लोग बड़े प्यारे होते हैं, मैं खुद बड़ी प्यारी हूँ। विराट कोहली को देखेंगी तो फिर क्या लफ्ज आएगा पहला आपके जहन में? लफ्ज तो कोई नहीं आ रहा पर मुझे लगता है कि अनुष्का शर्मा की कोई चॉइस अच्छी नहीं है। ठीक है, क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरा चांस खत्म हो गया ना। चांस खत्म हो गया ना? राहुल, लेकिन हम पप्पू नहीं है, समझे? बाबर आजम का नाम लूं तो सबसे पहले क्या लफ्ज आएगा आपके जहन में? क्रिकेटर ही है, क्रिकेटर ही आएगा, बस यही आएगा। हाँ जी, यही आएगा, अच्छा खेले। और मुझे का लफ्ज ही आएगा? बिल्कुल भी नहीं, बस ये है कि इज्जत बचा लें, और तो कुछ भी नहीं है कहीं जाके। अच्छा, और अगर विराट कोहली का नाम मैं लूं तो क्या लफ्ज आएगा आपके जहन में? सर, ही इज द टॉपर। रियली? या विराट कोहली को देखती है तो सबसे पहला लफ्ज क्या आता है जहन में? ही इज सो चिकनाऊ। रियली? या। अच्छा, तो अगर बाबर आजम को देखेंगे तो कौन सा लफ्ज आएगा पहले? देखना ही नहीं चाहती। क्यों? नहीं अच्छा लगता मुझे विराट कोहली। अच्छा, के आगे सब फीके हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या खास बात है? इतना प्यारा लगता है मुझे विराट। हिज नोज, उसकी आईज, उसके फीचर्स, ओह माय गॉड, आई एम फ्लैट। रियली? यस। बॉर्डर क्रॉस कर सकती हो? मैं क्या, मैं सब कुछ कर सकती हूँ उसके लिए। जी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अच्छा, विराट कोहली को देखती है तो सबसे पहले माइंड में कौन सा लफ्ज आता है? क्लेवर, बहुत क्लेवर प्लेयर है। और बाबर आजम को देखती है तो फिर क्या लफ्ज आता है पहला? डिसेंट, बहुत डिसेंट वो मतलब खेलता है। आपके सामने बाबर आजम का नाम लिया जाए तो पहला लफ्ज क्या आएगा? ग्रेट। और अगर आपके सामने विराट कोहली का नाम लिया जाए तो पहला लफ्ज क्या आएगा? आला, कमाल, मतलब आउटस्टैंडिंग। कैसे यार? एक तो वो प्लेयर इतना मस्त है, रेती कसर उसकी पर्सनैलिटी, वो प्यारा इतना है, और उसकी ग्रूमिंग, उसका टैलेंट, तो ये सारी रीजंस हैं। आपको दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन लगता है? ऑब्वियसली विराट कोहली। क्यों? उसका आप पर्सनैलिटी देखें, पर्सनैलिटी है, ग्रूम्ड है, अच्छा है। विराट कोहली पता नहीं, रिलीजन इशू। अच्छा, बस अगर ये इशू ना होता तो फिर तो बस सीन ऑन था, मैं तो पर्दा ना था मैंने पीछे। तो अभी भी बॉर्डर क्रॉस करके जा सकती हैं? नहीं नहीं, मुझे अभी जान प्यारी। दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन लगता है? विराट कोहली, अभी आपको मैंने बताया, इस तो चीजी। इतना क्यों लगता है भाई, इतना कैसे कोई पसंद आ सकता है? पसंद होती है ना, मेरा क्रश है वो। दोनों में से ज्यादा जो है ना वो खूबसूरत या डिसेंट कौन लगता है? बाबर आजम। वो क्यों? वो बेहतर लगता है। विराट कोहली जो है वो ठीक है, प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनालिटी वाइज इतना बेहतर नहीं है। बाबर आजम ज्यादा अच्छा लगता है या विराट कोहली? बाबर आजम। ज्यादा प्यारा कौन है, हैंडसम कौन है? बाबर आजम ज्यादा प्यारा और हैंडसम भी उनकी लाइफ स्टाइल की तरफ से है। हैंडसम दोनों ही सही है, विराट ज्यादा। वो क्यों ज्यादा पसंद है? वो इसलिए ज्यादा पसंद है कि वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, बस यही समझ लो, इसलिए ज्यादा पसंद है। अगर दोनों के प्रपोजल आ जाए एक ही साथ आपको, तो किसका एक्सेप्ट करेंगी? ये मुझे अपने मियाँ से पूछना पड़ेगा। वो तो हरगिज इजाजत नहीं देंगे। नहीं है तो भी बड़ी शुगली, लेकिन देखना पड़ेगा क्या पता इजाजत दे दें। अच्छा। अब्रॉड जाओ, अयाशी करो, शुगल मारो, बीवी फेमस हो जाए, मुझे पैसे भिजवाए, क्या पता। ठीक है, यानी बाद में छोड़ने का इरादा है फिर? इरादे तो हमेशा ही खतरनाक रहते हैं, अब ये नहीं पता कि छुट गया तो छुट गया, अच्छी बात है। ओके, रिश्ते आ गए आपको जी? हाँ। बाबर आजम का भी आ गया, विराट कोहली का भी आ गया, तो किसको सिलेक्ट करेंगी? आंखें बंद करके विराट कोहली। क्यों? आंखें खोल के भी तो कर सकती है। अनुष्का शर्मा ने उसे पसंद किया, ही मस्ट बी समथिंग। यानी अनुष्का शर्मा ने जिसको पसंद किया वो आप उसको पसंद कर लेंगे? नहीं नहीं, विराट कोहली में कुछ है तो उसी को पसंद करेंगे ना? क्या है उसमें? उसकी पर्सनैलिटी देखें, वो ग्रूम्ड है, वेल ग्रूम्ड है, वेल परफॉर्मेंस है उसकी, इसलिए मैं ऑब्वियसली मैं तो विराट का ही। कैसे? वो नहीं भी करेगा तो मैं खुद प्रपोज कर दूंगी उसको। खुद कैसे करेंगी? बस कर दूंगी भाई, शादी का आपको छोड़ देगी? मुझे ना भी छड़े की है। क्यों भाई? क्यों भाई? मैं एडजस्ट कर लूंगी। कैसे एडजस्ट कर लोगी? मैं कहूंगी उसको भी ना छोड़ो, मुझे भी रख लो। तो वो उसकी उससे पूछना चाहिए ना, अनुष्का शर्मा से पूछना, वो क्या कहती है? मुझे उसकी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं काला जादू करवा दूंगी विराट पे। काला जादू किससे करवाओगी भाई? बस करवा दूंगी। यानी काले जादू भी करा लोगी विराट के पीछे? सब कुछ।
इतना इतनी ज्यादा उसके पीछे पड़ी हुई है। सो चीजी। ये हमारे साथ एक लड़की मौजूद है जो विराट के पीछे बहुत पड़ी हुई है। दोनों का रिश्ता आ जाए तो किसका एक्सेप्ट करेंगे? अल्लाह रहम ना करे। क्यों भाई? ऑब्वियसली के बाबर आजम बेस्ट है। बाबर आजम का क्यों करेंगी? वजह के वो पर्सनली मतलब वो एक अच्छा डिसेंट लड़का है। बीइंग अ पाकिस्तानी वो मुझे सही है, बहुत अच्छा लगता है। हमारा प्लेयर हमारा जो है हमारी नेशनैलिटी को शो करता है फॉरेन कंट्रीज में जाके, लेकिन बीइंग अ गुड प्लेयर और पर्सनैलिटी वाइज भी मुझे विराट कोहली ज़्यादा पसंद है। बाबर आजम इज़ गुड बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो कहते ना लगेगा ठा करके, तो वो ठा करके विराट कोहली लगा है, बाबर आजम नहीं लगा अभी तक। यानी इतना पसंद आ गया है। अनुष्का से फिर बात करें? नहीं यार, मैं किसी का हक नहीं लेती। नॉटी गर्ल। हाँ जो मर्जी खेलो। अच्छा दोनों के रिश्ते अगर आपके घर आ जाए ठीक है, तो किसका किसका प्रपोजल जो है ना आप एक्सेप्ट करोगी? अगर कोई बंदा मेरा क्रश हो और वही बंदा ही हरकत कर दे प्रपोजल वाली, तो वो मेरा क्रश ही नहीं रहता। क्या मतलब? तो मतलब अगर रिश्ता आएगा तो दोनों का रिफ्यूज है। देखो इतने बड़े लोगों का रिश्ता आएगा तो रिफ्यूज। दूर के ढोल सुहाने, बस दूर से ही अच्छे लग रहे हैं। रियली? आप रिफ्यूज कर दोगी? हाँ, आराम से कर दूंगी बगैर सोचे समझे। सच में? एक तो पहले कमिटेड है, सेकंड चॉइस नहीं बनना मुझे। विराट कोहली की पर्सनालिटी में ऐसी क्या खास चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है? आप उनकी ड्रेसिंग, उनका स्टाइल, उनका सब कुछ देखें, सब कुछ ही आपको अट्रैक्ट करेगा। कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी? कौन सी चीज नहीं अट्रैक्ट करेगी? डिसेंसी। ही इज अ डिसेंट पर्सन। हां जी सही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।